नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम स्पिरिचुअल। आपके साथ मैं हूँ रीना। वास्तु शास्त्र में कई ऐसे उपाय बताए गए हैं जिनको करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। आर्थिक तंगी को दूर कर धन का आगमन बनाने के लिए भी कई आसान वास्तु टिप्स हैं। इन उपायों को सरलता के साथ किया जा सकता है और ये बेहद कारगर भी है। इन उपायों को करने के बाद आप इंसान के जीवन में व्यापक और बरकत बनी रहती है। आज ही ऐसे कुछ धन और लाभ के वास्तु उपायों के बारे में हम आपसे बात करेंगे। सनातन धर्म में तुलसी के पौधे को काफी महत्व माना गया है। हिंदू धर्म के मानने वाले तुलसी के पौधे की पूजा करते हैं। आर्थिक तंगी नकारात्मक ऊर्जा के कारण हो सकती है, ऐसे में तुलसी का पौधा जरूर लगाएं। पौधे को लगाते समय एक बात का जरूर ध्यान रखें कि इसे उत्तर या पूर्व दिशा की तरफ ही रखें। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा। हल्दी देवगुरु बृहस्पति की वजह से घर में सुख और समृद्धि रहती है। किसी की कुंडली में अगर बृहस्पति कमजोर है तो उनको अनुकूल करने के लिए पोछे के पानी में एक चुटकी हल्दी मिला दें और ऐसा करने से घर में आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। दिशा घर के वास्तु को ईशान कोण को काफी महत्व माना गया है। ईशान कोण यानी कि उत्तर पूर्व दिशा। जीवन में मेहनत करने के बावजूद सफलता नहीं मिल रही है तो ईशान कोण एक कारण हो सकता है। ऐसे में ईशान कोण को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि आती है और धन लाभ होता है। पेड़ पौधे घरों में अक्सर घास और पेड़ पौधे निकल आते हैं। कुछ पौधे तो अच्छे माने जाते हैं, इनमें अगर कांटेदार या दूध निकलने वाले पौधे उगाए तो ये तुरंत निकाल देने चाहिए। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का आवागमन होगा और बरकत नहीं बनेगी। जल अक्सर घरों के में आपने देखा होगा कि बाथरूम किचन या कहीं और नल से पानी टपकता रहता है या टंकी से लीकेज होता है। ऐसा होना अशुभ माना जाता है। घर में ऐसा होना तुरंत नल और टंकी को ठीक करवाएं। घरों में पानी टपकना बहना अशुभ संकेत माना जाता है। इससे घर की सभी सुख शांति पानी के साथ बह जाती है। अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे आने वाले वीडियोस के अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।